जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है और ना ही इसके सर की लड़ाई। तमाम पूरे देश में जो जवान से शोषण से हुआ है शिकार, उनके लिए लड़ाई है, ताकि आज हमारे साथ हुआ कल किसी जवान के साथ ना हो। इसीलिए संघर्ष की लड़ाई हम रास्ते पे आ गए, क्योंकि कोई भी नेता हमारी बात सांसद में पार्लियामेंट में नहीं उठाना चाह रहा है। इसीलिए ये लड़ाई हम अपने देश को बचाने के लिए, देश में जो सहायक सिस्टम के नाम पे जवानों का शोषण होता है, जो हत्याएं किया जाता है अधिकारी द्वारा, जो बोलता है अगर मैं सहायक सिस्टम में काम नहीं करूँगा उसके बाद उसको मार दिया जाता है, और उसकी इंक्वायरी करने वाले भी वही ऑफिसर बैठे होते हैं। एक आम पोर्स क्रिमिनल कोर्ट रहता है, उनमें भी उन्हीं का पैनल होता है। वहाँ से डिनाई होने के बाद उसके बाद वहाँ से हमको रिप्लाई दिया जाता है कि बोला भाई क्रिमिनल कोर्ट की सबसे जाओ, क्रिमिनल कोर्ट ने अगर गलत हमारी तरफ से दिया उसके बाद हाईकोर्ट में हमको जाना पड़ता है। मतलब हम लड़े तो कहाँ लगे, न्याय मांगे तो कहाँ मांगे। हम तमाम नेताओं से मिले और कोई भी नेता इन जवानों की बात रखने के लिए तैयार नहीं है, और वही जवानों के नाम पे वोटिंग लिया जाता है। बड़ी बड़ी रक्षा मंत्री को मिलने गए, वहाँ आवेदन दिया, रिसिप्ट तक नहीं मिला, वर्दी भी उतार दी। फिर हम योगी आदित्यनाथ महाराज जी या उनके यहाँ भी गए, उनको भी निवेदन दिया, कोई नहीं लिया। मैं खुद कई दिन से अनशन करता रहा पर न्याय नहीं मिला। 15 अगस्त के दिन भी मैंने न्याय के लिए भीख मांगी पर न्याय नहीं मिला। लोकशाही हर चीज मैंने कर ली, अभी इसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। ये देखिए, यही लड़ाई है जो जवानों के साथ शोषण होता है, हत्याएं होती है और रोका जाए। हम गुलाम हो रहे, आज़ाद भारत में गुलाम हो रहे, और एक गुलामगिरी बंद करो, इसलिए लड़ाई है। यहाँ देखिए जवान को ही दिखाया गया है, और जवान आज रास्ते पे भीख मांग रहा है, न्याय की भीख, ना कि हमारी, न्याय की भीख मांग रहे हैं हम। पूरे देश में हम सिर्फ चाहते हैं कि जांच कर दो, एक बार सरकारी जांच कर दो, उन अधिकारी को खिलाफ कार्रवाई करो, अगर हम गलत होते तो हमको फांसी दो। इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हम। ये देखिए, यही सच्चाई है। जवान के नाम पे वोटिंग बहुत लेते हैं बड़े बड़े नेता, पर कोई भी नेशनल टेलीविजन चैनल वालों को कई बार इंटरव्यू दिए, NIN, ABP न्यूज, हर न्यूज को दिया, पर कोई दिखाना नहीं चाहता जवान के बारे में। यही सच्चाई है, और यही दुख होता है हमको कि हमारे साथी क्यों, जब जवानों के नाम मरता है, जवान शहीद होता है, तिरंगे में लिपट के आता है, तभी आप बोलते हो क्या कि जवान के लिए हम है। वहाँ पे बड़े बड़े ट्वीट होते हैं और रक्षा मंत्री से लेकर वहाँ तक तमाम ट्वीट किए जाते हैं, पर आज जवान न्याय की भीख मांग रहा है आप लोगों से। हमको कोई नेता ने न्याय नहीं दिया, इसलिए जनता से हम न्याय मांग रहे हैं, बस यही आखिरी उम्मीद है जनता से। देखिए ये बैनर लगा है इनका, रक्षा मंत्री राहुल गांधी और कई नेताओं से हमने मिले, उसके बाद विपक्ष के भी कई नेताओं से मिला, पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। एक ट्वीट जनता के सामने रख नहीं सकता कि जवानों को ये चीज़ रोका जाए, एक इंक्वायरी जांच किया जाए, ये कोई नहीं बोलना चाह रहा, यही सच्चाई है। देखिए आज दुख होता है कि मैं पाकिस्तान में ही शहीद हो जाता तो मेरे लिए आज खुशी की बात रहती, पर आज मुझे अब क्या बोलूँ मैं। 3 महीना 21 दिन मैंने सजा काटी, उसके बाद अधिकारी द्वारा मुझे बार बार शोषण किया गया, मुझे ट्रीटमेंट भी ठीक ठाक नहीं दिया गया। वही लड़ाई अभी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं एक मिडिल परिवार का था, इसीलिए मैंने सजा काट ली कि ठीक है अपना जाने दो, कोई नहीं है, क्योंकि अधिकारी शोषण करते आ रहे करते आ रहे। पर आज मुझे रास्ते पे इसीलिए उठना पड़ा कि ये देखिए रास्ते पे आज मैं ही नहीं, ऐसे तमाम कई जवान शोषण से पीड़ित है, 90% जवान आज भी शोषण से पीड़ित है, इसीलिए लड़ाई चल रही है। यही सच्चाई आज हमको रास्ते पे उतारने वाले। सरकार को थोड़ा शर्म आना चाहिए थे, जवान कितने दिन से सड़कों पे न्याय मांग रहा है, पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है और कोई भी विपक्ष पार्टी इसको उठा भी नहीं रही है, तो हम क्या करें? ये लेटर कागजों को क्या करें, हम क्या करें इसको, जब कोर्ट कचहरी सब अंधा हो गया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हम लास्ट हमारी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हमको न्याय दिला दे एक बार, अगर हम गलत है तो हमको फांसी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यही सब ये देखिए भाई पैसा डालना, हम मांग नहीं रहे, न्याय की भीख मांग रहे हैं हम कोई पैसा नहीं मांग रहे आपसे, न्याय की भीख मांग रहे बस, यही सच्चाई है।
जय हिंद। इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हिंदुस्तान के हर एक आदमी को दिखना चाहिए। आज हमारे साथ शोषण हुआ, कल मेरा भाई, मेरा गांव से कोई जाने वाला बंदा, उसके साथ शोषण ना हो, इसीलिए लड़ाई चल रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।